और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं।
और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं, आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा, आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया कि मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया और मैंने उस मीटिंग को किया भी, वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा, मैं यहां सदन में किसी काम से आया था, मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे, अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का बेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं, ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है,